Assalamu alaikum everyone and welcome back to our channel. So today's video is about spicy drumsticks और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड इट टर्न आउट प्रीटी गुड. तो मैंने सोचा कि ये मैं रेसिपी शेयर करती हूँ सबके साथ. इसके लिए मैंने KNN's की drumsticks ली हैं और मैं इनको randomly इनमें कट्स लगा रही हूँ. मैंने 1 kg वाला पैकेट लिया था KNN's का, उसके अंदर अराउंड 8 pieces ऑफ drumsticks होते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि 4 drumsticks बनाई थी तो ये सारी जो रेसिपी है वो 4 drumsticks के मुताबिक है. कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप मैरिनेट करेंगे तो आपका सारा जो मैरिनेशन है, सारा स्पाइस चिकन के अंदर तक जाएगा. कट्स लगाने के बाद मैं एक बोल लूँगी, उसके अंदर मैंने 2 tablespoons डाले हैं दही के और उसको मैं अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी. उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी तो वो आसानी से मिक्स इन होंगे. दही मेरा यहाँ पे विस्क हो गया है. इसके अंदर मैं डालूँगी 1 हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon धनिया पाउडर, और इन सब मसालों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी. मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 tablespoon ऑफ चिली गार्लिक सॉस. आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली थी ताकि उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर आए. और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 teaspoon ऑफ ऑयल. मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है. इसका ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी मैरिनेशन वगैरह हो जाती है और जब आप इसको कुक कर रहे होते हैं तो कुकिंग के वक्त आपका चिकन जो है वो ड्राई नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहेगा. अब मैं ये सारा मैरिनेशन अपने चिकन के ऊपर डाल दूँगी. अच्छी तरह से बोल को खाली करेंगे, कुछ भी ज़ाया नहीं करना. मैरिनेशन के साथ मैं इसके अंदर 1/4 teaspoon डालूँगी गार्लिक पेस्ट का और 1/4 teaspoon डालूँगी जिंजर पेस्ट का. इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके चिकन के अंदर एक सर्टन स्मेल रह जाती है चिकन की, वो ख़त्म हो जाती है जिंजर गार्लिक पेस्ट से. तो इवन इफ खाना बहुत अच्छा बना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक सर्टन चिकन की स्मेल हो, इट गिव्स आउट अ बैड फीलिंग. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने थोड़ी थोड़ी डाली है. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोशिश करें ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो. और ये मेरी मैरिनेशन तैयार है. मैंने मैरिनेशन सुबह सुबह कर ली थी तो अराउंड 4 to 5 hours मेरी मैरिनेशन रही थी, लेकिन मिनिमम 1 hour के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है. अब इसको पकाने के लिए मैंने 4 to 5 tablespoons ऑफ ऑयल दिया है और मीडियम हीट के ऊपर उसको हीट किया है, और उसके अंदर अब मैंने अपनी ड्रमस्टिक्स जो हैं वो डाल दी हैं. इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाना है, बिल्कुल भी इसकी आंच तेज़ नहीं करनी. उसका रीज़न ये है कि एक तो हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, दूसरा ये कि हम इसको ढक्कन नहीं ऊपर रख रहे, तो हमारा चिकन क्योंकि अंदर तक पकना है इसलिए हमने इसकी आंच आहिस्ता रखनी है ताकि जो भी साइड इसके नीचे पैन पे लगी हुई है वो जले ना. हर 2 मिनट के बाद आपने इसकी जो साइड है उसको टर्न करना है ताकि हर तरफ से चिकन जो है वो अच्छी तरह से पके. मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था विद दीज ड्रमस्टिक्स. इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा था जैसा हम बारबेक्यू चिकन खाते हैं. अगर आप लोगों का बहुत दिल कर रहा है घर में कोई बारबेक्यू चिकन बनाने का तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और आई विल डेफिनेटली मेक इट अगेन. ये बहुत ही हिट रेसिपी रही है माशाल्लाह. इसको आपने आफ्टर एवरी 2 मिनट्स इसकी साइड बदलते रहना है, इसको पकाते रहना है, और पकाना तब तक है जब तक इसका बाहर का जो कलर है, बाहर का जो इसका लेयर है
वो अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। इसमें अराउंड मेरे 13 to 15 मिनट्स लगे थे, आपका भी अराउंड प्रॉब्ली इतना ही टाइम लगेगा। और आपकी जब फाइनल ये लुक हो जाए तो योर चिकन ड्रम स्टिक्स आर रेडी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डू टैग अस इफ़ यू ट्राई आउट दिस रेसिपी।